नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और सबका फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ एयरटेल मित्रा के अंदर एक नए रिटेल को फर्स्ट टाइम लॉगिन कैसे किया जाता है दिखाने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस वीडियो को मैं उन नए रिटेलर के लिए बना रहा हूँ जो एक नए रिटेलर बने हैं अभी अभी और जिनको मित्रा ऐप में फर्स्ट टाइम लॉगिन करना नहीं आता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, आप जैसे ही उस पर टैप करेंगे तो आपके सामने प्ले स्टोर ओपन होगा और वहां से आप एयरटेल मित्रा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। एयरटेल मित्रा ऐप को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जो आपको लापू नंबर मिला है आप उसको यहाँ पर फिल कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर लापू नंबर को फिल कर देता हूँ। लापू नंबर फिल करने के बाद आप सिंपली फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर कैप्चा फिल कर दीजिए जो आपको ऊपर शो हो रहा है। कैप्चा को फिल करने के बाद आप सिंपली वेरीफाई पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपके नीचे एक पॉपअप शो होगा, योर पासवर्ड सेंड टू द लापू नंबर। हमारा यहाँ पर पासवर्ड आ चुका है जो हम यहाँ पर फिल करने वाले हैं। तो लापू पासवर्ड में आपके लापू नंबर पर एक पासवर्ड भेजा गया है, उसको यहाँ पर फिल कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर लापू पासवर्ड डाल देता हूँ। लापू पासवर्ड डालने के बाद आप सिंपली सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको रिटेलर यानी एजेंट इन्फॉर्मेशन के लिए रिटेलर आधार नंबर और रिटेलर का नेम डालना होगा। तो मैं यहाँ पर रिटेल का 12 डिजिट का आधार नंबर फिल कर देता हूँ। आधार नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पर रिटेलर का नाम डालना होगा। सही नाम डालने के बाद आप सिंपली सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर नीचे हमें एक पॉपअप शो हुआ है, रिटेलर ऐड सक्सेसफुली। अब आप बैक जाइए, दोबारा से एयरटेल मित्रा ऐप को ओपन करिए। अब यहाँ पर लापू नंबर डालिए और जो पासवर्ड आपके लापू नंबर पर भेजा गया है उसको यहाँ पर फिल कर दीजिए और सिंपली सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं हमने कितनी आसानी से यहाँ पर एयरटेल मित्रा के अंदर हमने सिंपली लॉगिन कर लिया है। आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, रिचार्ज, प्रीपेड, डिजिटल ऑक्यूपेशन, इंश्योरेंस, इंटरनेट रोमिंग। और यही था आज की इस वीडियो में। आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एयरटेल पेमेंट्स बैंक के अंदर आप कैसे लॉगिन कर सकते हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट को कैसे खोल सकते हैं जिससे कि आप एयरटेल पेमेंट्स बैंक की KYC कर सकें। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ। तो मिलता हूँ दोस्तों आगे की वीडियो में कुछ नया लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम।